गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। किसानों की खुशहाली के लिए नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 3209 नलकूप चालकों को वितरित किया गया नियुक्ति पत्र। 9 साल बाद हुई प्रदेश में नलकूप चालकों की नियुक्ति। पहली बार महिलाओं के हाथ होगी नलकूपों की कमान। 516 महिलाओं का भी हुआ चयन। मुंडेरवा और पिपराई चीनी मिलों में सल्फरलेस शुगर प्लांट का सीएम योगी ने किया उद्घाटन। कहा, कई राज्यों के वार्षिक बजट से अधिक का गन्ना मूल्य भुगतान किया यूपी सरकार ने। दुनिया तक पहुंचेगी पूर्वी उत्तर प्रदेश की मिठास। पिपराइश व मुंडेरवा की होगी ब्रांडिंग। सोपरा देवरिया गांव में हुई किराना व्यापारी की हत्या के 3 और मुख्य आरोपियों को हरपुर बुधर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एसपी साउथ ने दी जानकारी। होमवर्क पूरा न करने पर कोतवाली थाना क्षेत्र के मियां बाजार निवासी 5 वर्षीय छात्रा को तथाकथित टीचर 10वीं की छात्रा से ट्यूशन पढ़ना पड़ा महंगा। तथाकथित किशोरी टीचर ने गर्म पलटा से जलाया हाथ। पुलिस तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर रही है जांच। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक। मिशन 2022 में सफलता पर बनी रणनीति। कार्यकर्ताओं को बताया जीत का मंत्र। 10 से 12 दिसंबर तक पूर्वांचल के विकास पर गोरखपुर विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले वेबिनार कार्यक्रम स्थल का मंडलायुक्त ने किया निरीक्षण। तैयारियों को समय से पूरा करने के दिए निर्देश। 3209 नलकूप चालकों को नियुक्ति पत्र एवं पदस्थापना तथा संवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के आदित्य से संवाद किया स्थापित। जनप्रतिनिधियों ने नवनियुक्त नलकूप चालकों को नियुक्ति पत्र किया वितरण। एडीएम सिटी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जनपद स्तरीय श्रम बंधुओं की बैठक। श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ श्रमिकों तक पहुंचाने के दिए निर्देश। गोरखपुर में बुधवार को मिले 37 नए कोरोना संक्रमित मरीज, एक की हुई मौत। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 20,379। अब तक 328 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 420 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। पंचायती चुनाव के मद्देनजर सीएससी द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान के तहत कलेक्ट्रेट परिसर से बाइक रैली का हुआ शुभारंभ। मतदाताओं को किया गया जागरूक। मतदाता पहचान पत्र संबंधी दी गई जानकारी। और विश्व हिंदू परिषद आर्य नगर की मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी के तत्वाधान में आयोजित हुआ धर्म रक्षा निधि अर्पण कार्यक्रम। कहा, देश और समाज के प्रति करें अपने दायित्वों का निर्वहन।